बराबर से 50 लेखों के क्या लागत मूल्य के बराबर है, सीपी के रेशो बना लो। 1 0 से 1 0 कट गया, एसपी को यहीं रहने दो, सीपी को इसके नीचे ले आओ, ये 5 यहीं रहेगा और ये 4 रहेगा। मुझे बताओ सीपी कितने का है, 4 का है, और एसपी कितना हो रहा है, 5 रुपए का हो रहा है, तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, दिख रहा है। सीपी अगर 4 है तो एसपी कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, लाभ कितने का, 1 का, कितने पे, 4 पे, प्रतिशत का लगा देंगे इसको, तो आंसर कितना जाएगा, 1/4% का मान सभी को पता है कितना होता है, 25% होता है। तो निश्चित है ये अदलने बदलने वाले क्वेश्चन कर लेंगे, तो आइए आप टाइप को चेंज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। क्या बोल रहा है, 800 रुपये में 2 लेख बेचकर, मतलब जो एसपी दिया है वो कितना दिया है, 2 लेखों को बेच रहा है, वो कितने का है, 800 रुपये का है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। 800 रुपये में 2 लेख बेचकर एक व्यक्ति 5 लेखों के लागत मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। मुझे बताइए क्या बोल रहा है, 2 लेखों को बेचकर, मतलब 2 लेखों को बेचकर लाभ प्राप्त कर रहा है, तो निश्चित है कि उसके पास 2 चीज होगी जब भी वो 2 चीज बेच रहा होगा, ये तो कन्फर्म है, क्लियर है। तो मुझे बताओ लाभ बेच रहा है तो लाभ कब होता है, जब आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करते हो, घटाते हो, तो क्या होता है, लाभ होता है कि नहीं, होता है लाभ, ठीक है। अब मुझे बताओ वो बोल रहा है दो दो वस्तु है, 2 वस्तुओं का एसपी माइनस, मैंने क्या बोला, जितनी वस्तु को बेच रहा है उतनी वस्तु खरीद रहा होगा, तो कितना है, 2 सीपी बराबर से, बोल रहा है जो लाभ है, बराबर से जो लाभ है वो 5 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब 5 वस्तु के सीपी के बराबर लाभ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको इससे कोई मतलब नहीं है, वस्तु से कर लेंगे क्योंकि लाभ परसेंट या आय परसेंट पूछ रहा है, अगर वो पूछता है कि रुपए बताओ तो अपन इसका यूज करेंगे, और रुपए नहीं बता रहे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आ जाओ आप इसका यूज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो मुझे बताओ ये 2 तो क्या हो गया एसपी, इसको उधर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएंगे, 5 सीपी प्लस 2 सीपी, तो ये कितना हो गया, 2 एसपी बराबर से कितना हो गया, 7 सीपी, तो सीपी एसपी का रेशो, तो सीपी अपॉन सॉरी एसपी अपॉन सीपी बराबर 7/2 कितना हो गया, 2। मुझे बताओ अगर कोई चीज 2 रुपए की है और उसको कितने में, वो 7 रुपए में बेच रहा है, मुझे बताओ अगर सीपी कितने का है, 2 रुपए का है, और एसपी जो है 7 रुपए का है, तो उसे लाभ कितने का हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है ना, 5 लाभ हो रहा है किस पे, 2 पे, प्रतिशत का लगा देंगे आपको, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 50, तो उसको कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, 250% का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 250%। निश्चित है जितनी चीज वो बेच रहा है मतलब उसके पास उतनी चीज रही होगी, जब तो उतनी चीज बेच रहा है ना, बस इसके बराबर में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं, SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 72 लेखों को बेचने से 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, नुकसान होता है। मुझे बताओ हानि कब होती है, हानि कब होती है, हानि जब होती है जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होती है, हानि होती है। क्या बोल रहा है, 72 लेखों को बेचने से, मैंने अभी क्या बोला, जितने बेच रहा होगा मतलब उसके पास पहले भी उतने ही रहे होंगे, ठीक है, तो कितने बेच रहा है, 72 बेच रहा है, मतलब 72 क्या है, एसपी है, अगर 72 उसके पास एसपी है तो निश्चित है 72 उसके पास सीपी रहे होंगे, क्लियर है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। और क्या बोल रहा है, 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, 8 लेखों के, मतलब 8 क्या हो गया, एसपी हो गया कि नहीं, 8 लेखों के विक्रय मूल्य के बराबर, बस इसको हल कर देंगे, 72 को इस तरफ ले आओ, तो 8 सीपी प्लस सॉरी एसपी प्लस 72 एसपी बराबर से कितना हो गया, 72 सीपी हो गया कि नहीं, तो 72 8 कितना हो गया, 81 81 एसपी बराबर से 72 सीपी, एसपी को यहीं रहने दो, सीपी को इसके नीचे ले आओ, इसको 72 यहीं रहने दो और 81 को इसके नीचे ले आओ। अब मुझे बताओ कि सीपी उसका कितना है, 81 रुपए, और एसपी कितना है उसका, 72 रुपए, 72 रुपए, 81 की चीज थी और वो 72 में बेच रहा है, 81 की चीज थी और 72 में बेच रहा है, तो उसे कितने की हानि हो गई, उसे 9 रुपए की हानि हो गई, 9 रुपए की हानि हो गई किस पे, 81 पे, प्रतिशत का लगा देंगे, 100 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, और नंबर नंबर 81, और आपको पता है 100/9 का मान कितना होता है, 11, सही, 1/9% का क्या हो गया उसको, हानि हो गई, यहाँ पर कितने की हानि हो गई है,
11 सही 1/9% की यहाँ पर हानि हो गई है। तो निश्चित है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज मैंने 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं, आप बुक के क्वेश्चन लगाइए, किरण के लगाइए, सगीर अहमद, शारदा, आर एस अग्रवाल, जो भी बुक लगाना है आप शुरू से लगाइए। निश्चित है जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन कराए हैं अगर आप उस टाइप के क्वेश्चन बुक में लगाएंगे तो आपको इजीली बन जाएंगे। कल जो वीडियो आएगा और टफ वाले क्वेश्चन आएंगे। आज जो क्वेश्चन है 2019 के क्वेश्चन उठाए हैं, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, 23 तक के क्वेश्चन अपन सीजीएल के लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 महीने बाद पेपर है और निश्चित है इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। इसके बाद मैं टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाऊंगा, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर वीडियो को आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना। बाकी आपका सपोर्ट तो पूरा मिल रहा है लेकिन वीडियो को और शेयर करेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।